दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ही वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत से हार के बाद बौखला चुके हैं पैट कमिंस, लेकिन फिर भी जाते जाते रोते हुए पैट कमिंस कुछ ऐसा कहेगा रोहित बुमराह और भारतीय टीम के लिए कि सुनकर आप सलाम करेंगे उन्हें। पैट कमिंस के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और कमिंस में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जिस तरीके से 19 नवंबर का दिन कोई नहीं भूल सकता था, 24 जून की रात भी ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं भूल पाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ये वो टीम है जिसने भारत को विश्व कप हराया, लेकिन आज T20 विश्व कप का फाइनल खेलने से पहले इन्हें दहलीज पार करनी थी भारत को हरा कर। मुकाबले की शुरुआत से ही सिक्का इनके पक्ष में भी उछला और विराट का विकेट भी इन्हें जीरो पर मिला, लेकिन रोहित शर्मा आज केवल टीम को जिताने के मकसद से नहीं बल्कि पतला पूरा करने के मकसद से आए थे। 20-21 गेंदों में अपने 50 रन पूरे करने के बाद दोस्तों रोहित शर्मा अनस्टॉपेबल हो गए और हिटमैन मोड में आते हुए उन्होंने 41 गेंदों में 8 छक्के लगाकर 7 चौके लगाकर पूरे 92 रन बनाए। शतक से 8 रन दूर रोहित तो आउट हो गए, लेकिन पांड्या सूर्यकुमार यादव और दुबे की 30-35 रनों वाली पारियों के दम पर भारत का स्कोर 205 पहुंचा और ये इस बार के वर्ल्ड कप में इंडिया का हाईएस्ट टोटल भी था, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, वरना अब तक तो हमारे मैचेस अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमों से हुए थे। खैर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया चेस करने के बारे में सोचती उसी तरीके से हमारे विकेट्स भी प्लान हुए। अर्शदीप सिंह ने वार्नर को आउट किया, मिशेल मार्श को कुलदीप यादव ने और रन बनाने ट्रेविस हेड को 15वें ओवर में आखिरकार बुमराह ने पकड़ ही लिया। दोस्तों ट्रेविस हेड का विकेट गिरते ही अब मनोबल चकनाचूर हो चुका था इस टीम का और जीतने के लिए रनों का अंतर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम 24 रन के अंतर से इस मैच को तो जीते ही पतला भी पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया को भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया। ये जीत नहीं वाकई में एक ऐसी याद है जिसे कोई नहीं भुला सकता, इवन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी भी। लेकिन दोस्तों भारत से हार के बाद ना लगता है कि पैट कमिंस अपना मानसिक संतुलन ही खो चुके हैं। भारत के उन 1,00,000 दर्शकों को साइलेंस कराने वाले पैट कमिंस आज जब भारत से हारने के बाद विश्व कप से बाहर हुए ना, तो उनके बोल ही कुछ और थे। आपको बताएं दोस्तों के बौखलाहट में पैट कमिंस साहब अपने बयान में कहते हैं, 19 नवंबर के दिन भारत को जैसे हराया था बिल्कुल वैसे ही हराना चाहते थे, लेकिन अफगानिस्तान से हार के बाद कहीं ना कहीं टीम का मनोबल टूटा हुआ था। ऊपर से भारतीय क्रिकेट टीम एक भी मैच नहीं हारी, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारा ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया। पर भारतीय क्रिकेट टीम वाकई में अच्छा खेली, इस बात में कोई शक नहीं कि रोहित ने बहुत उम्दा बल्लेबाजी करी, उतनी ही शानदार कप्तानी भी करी और बुमराह का तो क्या ही कहना, वो तो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। इस सीज़न में उनका लक भी साथ दे रहा है और परफॉर्म तो वो कर ही रहे हैं। इनफैक्ट पूरी भारतीय क्रिकेट टीम ने बराबर की मेहनत करी और ये बराबर की मेहनत रंग भी लाई। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम ही जीतना डिजर्व करते थे, लेकिन हम भारत को हरा सकते थे और हम सक्षम थे, बस किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। खैर आज तो वो जीत का जश्न मना रहे हैं, उनको जीत की बहुत बहुत बधाई। बस चाहूँगा कि एक मौका मिल जाए फिर से तो हम भारतीय क्रिकेट टीम को अपना जोश, अपना जज्बा, अपना जुनून फिर से दिखा पाएं, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अगर हम सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुँचेंगे तो तहे दिल से कहता हूँ कि एक ही टीम को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ वर्ल्ड कप इस बार, और वो भारतीय क्रिकेट टीम है, क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली वो कितनी मेहनत करते हैं। वो जीतेंगे तो खुशी होगी, हम आ गए तो हम जीतेंगे। दोस्तों पैट कमिंस का मानसिक संतुलन हिला ही हुआ है, क्योंकि देखिए वो तो लगभग बाहर हो गए हैं, लेकिन चलिए ये बात तो अच्छी कही कि वो हमें जीतता हुआ देखना चाहते हैं। वैसे आप सभी को क्या लग रहा है इस बार का फाइनल किसके बीच में होगा और क्या भारत जीत पाएगा या नहीं, आपका जवाब नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।